इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। दिल्ली का मेहरौली क्षेत्र कुतुब मीनार सहित कई ऐतिहासिक स्मारकों का स्थल है, मगर कुछ ही लोग जानते होंगे कि मेहरौली में ही स्थित है गुरुद्वारा श्री शहीदी स्थान बाबा बंदा सिंह बहादुर, जो कि सिख इतिहास की एक महत्वपूर्ण स्मृति है। ये गुरुद्वारा सिख इतिहास में एक अहम भूमिका निभाने वाले योद्धा बंदा सिंह बहादुर को समर्पित है, जो सन 1716 में मुगलों द्वारा मेहरौली में शहीद हो गए थे। आइए जानते हैं कि ये गुरुद्वारा हमें बंदा सिंह बहादुर और सिख इतिहास के बारे में क्या दर्शाता है। सन 1708 में मुगलों के खिलाफ आनंदपुर की जंग के बाद सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह दक्खन की ओर बढ़ रहे थे। तब वे महाराष्ट्र के नांदेड़ में पहुंचे, जहां एक बैरागी माधोदास का आश्रम था। गुरु गोविंद सिंह ने माधोदास के बारे में काफी सुना था। उनसे मिलने के बाद बैरागी माधोदास ने सिख धर्म को पूरी तरह से अपना लिया और आगे चलकर बंदा सिंह बहादुर के नाम से जाने जाने लगे। उसी वर्ष नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद सिखों और मुगलों में एक लंबी और कड़वी जंग छिड़ी। मुगलों के खिलाफ इस जंग को आगे बढ़ाते हुए बंदा सिंह बहादुर पंजाब पहुंचे। बंदा सिंह ने मुगलों के खिलाफ कई युद्धों में सेना का नेतृत्व किया। उनकी पहली बड़ी कार्रवाई नवंबर 1709 में पंजाब के एक महत्वपूर्ण मुगल केंद्र समाना को काबिज किया। सन 1710 में पंजाब के सबसे महत्वपूर्ण मुगल शहर बंदा बहादुर की सेना ने कब्जा किया। इसके बाद बंदा बहादुर ने हरियाणा के लोहगढ़ पर अपना स्वतंत्र सिख राज स्थापित किया और अपने सिक्के और मोहर बनवाए। हालांकि ये राज्य कुछ ही समय के लिए ही था। बंदा सिंह जैसे महान योद्धा के सिख साम्राज्य को आगे बढ़ाने की याद में और भी कई गुरुद्वारों की स्थापना की गई, जैसे पंजाब के गुरुद्वारा श्री बाबा बंदा सिंह बहादुर छापर चिरई और गुरुद्वारा श्री बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरुदास नांगल, दोनों ही मुगलों के साथ हुए उनके ऐतिहासिक युद्ध की स्मृति में बनाए गए थे। पर मेहरौली का गुरुद्वारा इनसे कुछ अलग है, क्योंकि ये बंदा सिंह बहादुर की शहादत के स्थल को चिन्हित करता है। बंदा सिंह बहादुर के हाथों सिख साम्राज्य को बढ़ता देख मुगल शासक फर्रुखसियार ने उन्हें गिरफ्त में लेने के आदेश दिए। पंजाब के गुरदासपुर से बंदा सिंह और 700 से ज्यादा सिखों को पकड़कर दिल्ली लाया गया। 19 जून 1716 को कुतुब मीनार के पास मेहरौली में बंदा सिंह बहादुर शहीद हुए। इससे पहले उन्हें दिल्ली की सड़कों से होते हुए मेहरौली के सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह पे ले जाया गया था। ये गुरुद्वारा उस महान सिख योद्धा बंदा सिंह बहादुर की याद और सम्मान में बनवाया गया, जिसने न केवल सिख साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि मुगल शासन के सामने झुकने से इनकार कर सिखों की लड़ाई की मशाल को जलाए रखा।